एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी विद रेनू। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी और हेल्पफुल सी वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज इस बारे में वीडियो बताइए और कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताइए जिससे कि हमें डाई वगैरह यूज ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो में मैं जो भी चीजें बता रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उस रेमेडी को बनाना कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उस रेमेडी को यूज करके आपके बाल है ना एक ही दिन में काले हो जाएंगे। नहीं, आपको अपने बालों पर ना हल्का सा एक कलर मिलेगा, वो भी अगर आप उसे रेगुलर बेस पे यूज करते हो। तो ऐसा नहीं है कि डाई की तरह आपने उसे लगाया और आपके बाल काले हो गए। हाँ, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उसे उस वक्त अप्लाई कर लीजिए और वैसे ही छोड़ दीजिए, तो आपके बाल आपको काले दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको धोओगे तो आपके बाल फिर से व्हाइट दिखेंगे आपको। लेकिन जो बेबी व्हाइट बाल होते हैं ना, जो हाल साल यानी स्टार्ट होते हैं ग्रे टू व्हाइट की तरफ अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, उन बालों पर इस रेमेडी का असर जल्दी होता है और उन बालों को व्हाइट होने से वो रोकता है। ऐसा नहीं है कि आपके बालों को सफेद से काला कर देगा, लेकिन हाँ, आपके सफेद बालों को होने से वो रेमेडी रोकती है। और उस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं वो मेरे घर पर ही अवेलेबल थी। हाँ, एक चीज आपको बाहर से लानी पड़ेगी, लेकिन वो बिल्कुल कचरा जो होता है ना, वेस्ट, वो होता है एक तरीके से, तो उसे आपको लेना है। और उसे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बनने के बाद वो कैसे लगेगी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो देखिये, जितना ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ना, तो धीरे धीरे आप इसे अप्लाई करोगे ना अपने हेयर पे, तो आपके भी बाल इसी तरह से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको काफी सालों का टाइम लगेगा। और इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इजीली दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये लिया मैंने इसे, ये बिल्कुल पानी की तरह है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा और कर सकते हैं। आपको जो मैंने बनाया है ना पाउडर, वो थोड़ा ज्यादा डालना है, बट मुझे थोड़ा सा ही आपको बना के दिखाना था, तो मैंने थोड़ा ही बनाया। तो देखिए, ये मैंने ले लिया और ये बिल्कुल पानी की तरह है, टपक रहा है मेरे हाथों से। और जहां भी आपके व्हाइट हेयर हो वहां पर आपको इसे इस तरह से करके और अप्लाई कर लेना है। तो जैसे कि मैंने करके दिखा दिया। और ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बालों को अभी धोना ही पड़ेगा, अब बस आप इसे ऐसे लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। बस सारे दिन आप इसे रखिए और जिस तरह से मेरी उंगलियों पर ये हल्का सा एक ग्रे कलर आया है ना, बस उसी तरह से ये हल्का सा ग्रे कलर आपके बालों पर भी छोड़ के जाएगा। और जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करते रहोगे ना, तो जो आपके ग्रे हेयर है ना, जो व्हाइट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको ये धीरे धीरे रोकेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आपने बोलोगे कि दी हमारे बाल तो व्हाइट ही है, काले नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। इसको आपको अप्लाई करना है साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, बस आप अप्लाई करते रहिए इसे, जैसे कि हम नॉर्मली ऑयल लगाते हैं, बस उस तरह से। ऑयल लगाने के पहले आपको अपने कोरे बालों पे इसे लगाना है। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई वीक में दो दिन लगाइए कि वीक में तीन दिन लगाइए। जब भी आपके कोरे बाल है, आपको व्हाइट लग रहे हैं, आप इसे बस ऐसे करके लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। और अपने बालों को जैसे फिर आप ऑयल कर लो, इसको लगाने के एक दो घंटे बाद अपने बालों में आप ऑयलिंग कर लो, रात भर रखो, फिर दूसरे दिन धो दो। पूरे दिन आप इसको लगाकर रखो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपके बालों को हार्म करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या चीजें यूज की है। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करके जाना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो आता है उसे भी प्रेस कर लेना। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे चीजों के बारे में आपको बताना भी जरूरी था, क्योंकि काफी फिर कमेंट पे कहते हैं कि ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो भैया, आपको ये रेमेडी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इसका दावा मैं करती हूँ। आपको कहीं भी किसी भी जगह पर ये रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेमेडी वो चीज है जो कि किसी ने यूज की है, फिर मैंने रिजल्ट देखा है, फिर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। बट वो जेंट्स है तो उन्होंने वीडियो में आने से मना कर दिया, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह से बनाना है और इसको यूज कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाई दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि हमने हमारे ये व्हाइट हेयर को काले करने वाली रेमेडी किस तरह से बनाई है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल का ये जो छिलके होते हैं ना ये, और इनका जो बुरादा है ना ये नीचे वाला, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहें तो ये पूरा नारियल का जो छिलका है ना इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर ये नहीं आप लेना चाहते हैं तो आप ये नीचे का जो बुरादा है ना इसको भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। और उसके बाद हमें चाहिए बस इतना सा ही नारियल, ये सॉरी एलोवेरा का जो लीफ है ना वो, अब आपके पास अगर फ्रेश लीफ नहीं है तो फिर आपके पास जो जेल हो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपको ये जो लीफ का ये लीफ है ना एलोवेरा का, ये आपको मिल जाए। और मैंने तो अपने घर में ही उगा के रखे हैं तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको इस रेमेडी को किस तरह से लगाना है। और वैसे भी आप सबको पता ही है कि एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब आपको एक कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर जितने भी ये नारियल के छिलके हैं ना हम इसको ऐड कर देंगे।
तो चलिए मैं आपको इसमें डालकर दिखाती हूँ। बस इस तरह से आपको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हाई फ्लेम पर जब तक कि ये पूरे के पूरे जल ना जाए ना, तब तक आपको इसे भूनते रहना है। तो चलिए इसको मैं भून कर दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से। बस अभी तो ये कूल है और ये जो छिलके है ना, इनको आपको निकालने के लिए बस इनको इस तरह से करना है और इनके जो ये बुरादा है ना वो निकल के आपको मिल जाएगा। तो बस इस तरह से कर लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। और ये देखिए आपको कितना सारा इसमें बुरादा निकलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसी तरह से इसको करके और भून लेते हैं। और जो भी नारियल के छिलके थे ना, उनको आपको इस तरह से जला लेना है। अगर कढ़ाई में आप इसे सॉटे ना कर सके यानी भून ना सके ना, तो बस आपको इस तरह से इनको जला देना है और जब तक ये ना जले तब तक इनको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जो हमें पाउडर चाहिए वो मिल जाएगा। और बस आपको ये रेमेडी ना गाइस यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूज की हुई रेमेडी है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो। तो बस धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये ना जो नारियल के छिलके ये जलना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस आप इनको इस तरह से पलटते रहिए और ये जितने भी छिलके हैं ना ये अच्छी तरह से जल जाने चाहिए। हमें ना एक पाउडर मिल जाना चाहिए, जैसे कि एक ब्लैक पाउडर होता है ना, बस ये पूरे छिलके ना जब जलने के बाद एक ब्लैक पाउडर की तरह बन जाएंगे, फिर हम इससे बनाएंगे अपनी रेमेडी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो बुरादा था ना यानी जो नारियल के जितने भी छिलके हमने इसमें डाले थे ना, वो सारे के सारे जल चुके हैं। और जब तक ये ना अपने आप बुझ नहीं जाते, आपको इसे पानी डाल के या किसी भी तरह से ना आपको इसे बंद नहीं करना है, इस आंच को ये जलने देनी है आपको। तो जिस तरह से देखिए, जिस तरह से ये जलता जा रहा है, आपको यहाँ पर एक पाउडर मिलता जा रहा है ब्लैक कलर का। तो बस यही पाउडर है हमारी सबसे ज्यादा यूजफुल रेमेडी। तो चलिए इसको और भी ज्यादा जल जाने देते हैं, बिल्कुल कंप्लीट पाउडर के फॉर्म पे जब ये आ जाए उसके बाद है ना हम इसका यूज करेंगे। और अभी ये कच्चा है, जब तक ये लाल रहे समझो तब तक ये कच्चा है। आपको इसे अच्छी तरह से ना ये जला देना है, बिल्कुल बिल्कुल राख बन जाए ना। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से ना इस तरह से मसल दिया है चम्मच से और ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए इसको ना छान लेते हैं किसी बर्तन से। तो अब है ना ये जो हमने पाउडर बनाया है ना, इसको हम इसमें छान लेते हैं। और ये पड़ी रही ले छोटी के अंदर है ना, ये फंस जाएगा, क्योंकि मैंने पहले एक बार बनाया था ना, तो मैंने जब छोटी वाली स्ट्रेनर ली ना तो सारा पाउडर उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। तो बड़ी वाली जो स्ट्रेनर होती है ना वही ले, और बस इसमें हमको ना जो पाउडर है वो मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा की लकड़ी वगैरह बच गई है ना वो इसमें से निकल जाएंगी। तो बस ये देखिए, ये जो पाउडर था जितना हमें चाहिए हमें अच्छी तरह से मिल गया है। और इस पाउडर के अंदर अब हमें मिलाना है एलोवेरा जेल। तो ये पाउडर कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो उसके साथ हमने लिया है ये एलोवेरा, इसकी साइड को ना मैंने छील लिया और बस इसे आपको इस तरह से बीच में से छील लेना है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना। और इसका जो ये गाढ़ा सा जो जूस होता है ना ये हमें चाहिए। तो चलिए इसको ना इसी चम्मच की हेल्प से ना मैं निकाल लेती हूँ। और आपको कुछ भी छानने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चम्मच से ना हल्के हल्के आप इसको, ये जो जेल होता है ना एलोवेरा का, इसको आप इस तरह से निकाल लें। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया और जितना आपको इसमें पेस्ट बनाना है ना बस उतना ही एलोवेरा डालना है, बहुत ज्यादा नहीं भर देना है वरना बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा ये। तो देखिए उसके बाद इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी इसमें हम थोड़ा एलोवेरा और लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थिक हो रहा है। तो बस इसी चम्मच से ना हम फिर से निकाल लेते हैं और थोड़ा पतला ही रखना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा मत कर देना। चलिए अच्छी तरह से कर लेते हैं इसको मिक्स और उसके बाद दिखाती हूँ मैं किस तरह से आपका जेल बनके हो जाएगा रेडी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, उसके बाद हमको ये हमारा पेस्ट बनके हमारा हो गया है रेडी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और बस इसे आपको इस तरह से लेना है और अपने बालों में ना अप्लाई कर लेना है। और मैं आपको, चलो वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके ना कुछ भी केमिकल है और आपके बाल इससे खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस इस रेमेडी को आप भी बनाइए, अपने हेयर में लगाइए और धीरे धीरे अपने बालों को
व्हाइट से ब्लैक की तरफ कन्वर्ट करिए और ये वाकई ही रेमेडी काफी हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर किस तरह से है और इसके अंदर सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है और आप इसे जैसे ही वॉश करोगे तो आपके हाथों में ये कलर इतना ज्यादा नहीं चढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 करके ये आपके हेयर को व्हाइट से ब्लैक की तरफ कन्वर्ट करेगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और नई और अच्छी सी रेमेडी के साथ, जैसे कि मैंने ये वाली रेमेडी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा।